हेलो दोस्तों, आज हम लोग 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के समय, जो कि 2004 से 14 के बीच में चली थी, वो मनमोहन सिंह द्वारा लीड किया गया था। यूपीए की अध्यक्षता कर रही थी मिसेस सोनिया गांधी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे मनमोहन सिंह को। तो ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन सिंह को उतना इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया था, इसीलिए वो उतना अच्छा से, जितना उनका कैपेबिलिटी थी, उतना काम नहीं कर पाए थे। तो ऐसे एक जोक से पार्ट, वो थोड़ा ओल्ड भी थे तो नहीं काम करने दिया गया, तो उनके आंसू आ गया, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से ट्रिट्री, ई से मूवमेंट्स, जो पैसा वैसा दिया जाता है संसद को, विधायक को, वो सब, ऐसे अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा का कितना सीट कहाँ है, वो ऐसे शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल प्रोविजन, जो तीन प्रकार के है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 22 है, एल से लैंड रिफॉर्म, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा लाया गया, डी से डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है, सभी पार्टी के विधायक एवं सांसद इस पार्टी से उस पार्टी में चेंज कर रहे हैं, पी से पंचायत एंड एम से म्यूनिसिपलिटी। तो टोटल 12 शेड्यूल हैं जिनको हम याद कर सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के द्वारा, टी से ट्रेटरी, ई से मूवमेंट्स, एस से फॉर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल प्रोविजन, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एन से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपलिटी।